इंदौर में 9वीं के छात्र का शव मिला फंदे पर लटका। बड़े भाई ने मां और सौतेले पिता पर लगाया हत्या का आरोप। कुछ समय पहले मां से हुआ था विवाद। इंदौर में स्टॉक मार्केट के असिस्टेंट डायरेक्टर से रेप। इंदौर में स्टॉक मार्केट संचालक ने युवती को नौकरी का दिया लालच। शादी का झांसा देकर होटल में किया दुष्कर्म। 10 माह का नहीं दिया पे। एग्जाम से पहले पीएससी का छात्र फंदे पर झूला। रविवार सुबह था पेपर, 4 दिन पहले लगाई फांसी। डिकम्पोज होने से सड़ चुका था शरीर। इंदौर का मामला। सागर के जवाहरगंज वार्ड में आत्मनिर्भर भारत के तहत स्व सहायता की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में स्वयं के उत्पाद बनाकर रोजगार स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए शुरू। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सागर में राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच ने डॉक्टर सर हरि सिंह गौर महाविद्यालय में पहुंचकर गुरुजनों को श्रीफल माला भेंट मिठाई खिलाकर सम्मान कर मार्गदर्शन व आशीर्वाद किया प्राप्त। सागर में शनिवार और रविवार सुबह रुक रुक कर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सागर की सब्जी मंडी में सुबह से बारिश होने के बाद बने ये हालात। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं हो रही हैं शुरू, जिसको लेकर सागर कलेक्टर ने कहा समस्त संकुल स्तर पर लगाई जाएगी वैक्सीन। सावन महीने की शुरुआत होते ही श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करने में जुटे। वहीं 26 जुलाई को पहला सावन सोमवार है, जिस मौके पर सागर जिले के ढाना में अतुल बड़गैया के ग्रुप द्वारा वाला खाना स्थित मंदिर में भव्य भजन संध्या का किया जा रहा है आयोजन, जिसमें ग्रामवासियों से भजन संध्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील। सागर जिले के कुरेका लोक सेवा केंद्र इन दिनों आवारा पशुओं का आरामगाह बन चुका है, तो वहीं लोगों द्वारा जमा किए गए आवेदन उनकी खुराक बन चुके हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कुरई शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता। कुरई के शर्मा बोर्ड में बिजली के पोल में करंट लगने से गाय की हुई मौत। कई समय तक बिजली रही बाधित। कुरई अधिवक्ता संघ के आगामी चुनाव को लेकर अधिवक्ता संघ की हुई बैठक आयोजित कर निर्वाचन अधिकारी की गई नियुक्ति। बीना के कुलवाई में विधायक ने 2 लाख रुपए की लागत से बनी बाउंड्री वॉल का किया लोकार्पण। बीना में एक महिला सहित 2 लोगों को काटा सांप ने, गंभीर हालत में सागर जिला अस्पताल किया रेफर। बीना के सिद्धधाम कैलाश टेकरी में गुरु पूजन के साथ हुआ भंडारा। आत्मकल्याण के लिए गुरु पूजन कर लिया आशीर्वाद, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। बीना के आगासौर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के गार्ड को आया अटैक, गंभीर हालत में भोपाल किया गया रेफर।